आए क्योंकि अकेले बाहर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो देखिए सब रूम में ही। यहाँ देखिए रियांश को, रियांश को देखिए गेम खेल रहा है लड़का। ले हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम और ये देखिए मेरे पतिदेव जी का गुड मॉर्निंग हो गया है। इधर देखिए, इधर से नहीं दिख रहा आपको, यहाँ से देखिए आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये देखिए रियांश को क्या कर रहा है। रियांश, रियांश देखो ना इसमें, बोलो गुड मॉर्निंग। बोला हम सो के जग चुके हैं और देखिए अभी हम उठ जगते के साथ खिलौना से खेल रहे। बता दिखा खिलौना। हाँ ये देखिए सो के उठता है, मतलब लेके भी सोता है खिलौना और उठेगा तो इसको लेके ही उठेगा। अब बस इसका खेलना स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए मम्मी को, मम्मी क्या कर रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे मूंग का दाल बना रहे हैं। मम्मी सुबह सुबह उठ के इसको भूजे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं धूप कितना होता है। आज तो और भी ज्यादा धूप है और इसको तो वैसे जाता में किया जाता है, लेकिन जाता जो है दूसरे के यहाँ है तो वो इतना धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता। तो इस वजह से हमें घरेलू मतलब देसी जुगाड़ जो बोलते हैं ना, वही लगा के अपना वो कर रहे हैं। क्या लेगा? नानी चप्पल नहीं पहना। नानी काम कर रही है ना, इसीलिए चप्पल नहीं पहनी है। और अभी हम जा रहे हैं छत पे। आज दिन में तो हमारे यहाँ बाप रे बाप लाइन कट गया। एक दो घंटा लाइन कट नहीं गया, लाइन तो था लेकिन हमारे घर का लाइन खराब हो गया। इतना ज़्यादा परेशानी हुआ ना, वो तो पूरा परेशान हो गए। और इसको देख रहे हैं, ये भी दिन भर नहीं सोया है, ये भी पूरा परेशान था ना। नहीं सब परेशान था ना तू? तो देखिए अभी हम लोग छत पे आए कि थोड़ा सा अच्छा लगे। इनको भी देखिए, ये तो पूरा दिन परेशान ही थे। कभी इसको चुप करा रहे थे, कभी इसको खिला रहे थे। और इसको देखिए, बिल्ली आया था। और अभी देखिए छत पे कुछ ठंडक लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा देर रहिए ना, गर्म हो जाएगा तुरंत। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, वही तो गर्म लगता है। ऋषभ जितना पेड़ पौधा ऋषभ। तो अभी शाम हो चुका है और हम लोग चलते हैं नीचे। रियांश भी है देखिए मेरे साथ यहाँ, और वो भी बुला रहे हैं हमको काफी देर से क्योंकि उनका एक्सरसाइज कराना है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नीचे। चलो रियांश नीचे। तो अभी रात हो चुका है और रात के खाने की तैयारी हो रही है। देखिए घिवरा बन रहा है, ये हमारे पेड़ का नहीं है, बाजार का है। देखिए कैसे सूखा हुआ है, हमारे पेड़ में अभी नहीं निकल रहा है घिवरा क्योंकि बारिश हो गया था, उस वजह से सारा जो उसका फूल दिया हुआ था वो खराब हो गया। तो हम अभी रूम में ही आए क्योंकि अकेले बाहर में अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए सब रूम में ही। यहाँ देखिए रियांश को, रियांश को देखिए गेम खेल रहा है लड़का। ले तो ये देखिए रियांश को गेम खेल रहा है। हमारे यहाँ लाइन भी कट गया, आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया। और वहाँ देखिए बाबू सोया हुआ है, वो बैठे हुए हैं। और इनको भी दिखा, तो ये भी एक्सरसाइज करके इस रूम में ही आ गए थे। हम लोग सब एक रूम में ही थे, बातचीत चल रहा था और काम भी हो रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन बीच में जो है ना किसी का बुरा नज़र लग गया और लाइन कट गया। बहुत गर्मी लग रहा है, तो चलिए फटाफट हम इसको काट लेते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो गया है, 8:30-9 जैसा बज रहा होगा। बनाने में भी तो टाइम लगेगा फिर। तो अभी हम आ गए किचन में और ये देखिए घिवरा बन रहा है। घिवरा से तो पानी ही इतना ना छूटता है कि उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। और इधर देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये देखिए ये रियांश का लेडी फिंगर है एकदम। हाँ कम तेल में ना उसमें अच्छा होता है, काहे कि उसको तेल नहीं खाना ना वैसा। और देखिए अभी रोटी के लिए यहाँ सब कुछ रेडी कर लिए हैं। दोनों में से कौन एगो पहले हो जाएगा तो उसको हटा कर फिर रोटी बनाएंगे। और ये देखिए बाजार से, तो और देखिए पापा क्या क्या लाए हैं बाजार से। पहले तो ये देखिए, ये हमारा दवाई लाए हैं। मेरा भी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहता, तो ये सब देखिए। हमारे घर में सभी लोग दवाई खाते हैं, सबका अलग अलग है। मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, मेरा अलग है, उनका तो है ही। और गुड़िया जो है उनका भी है, उनका दोनों बहुओं का भी अलग अलग। सभी लोग परेशान हैं। और ये देखिए कद्दू आया है, घिवरा है, भिंडी है, और इसमें क्या है, इसमें संतरा और पपीता।
हम लोग को सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है, सही बोले तो बिल्कुल भी नहीं खरीदते हम लोग सब्जी, क्योंकि हमारे मम्मी जो है वो खाने के लिए इतना लगा देते हैं कि खाने के लिए हो जाए थोड़ा थोड़ा सब कुछ, लेकिन बारिश के वजह से जो है ना सब कुछ मतलब खराब हो गया है, तो सब्जी निकल ही नहीं रहा है। तो उस वजह से पापा ये घिवड़ा भिंडी और कद्दू लेके आए, और पपीता मेरे लिए आए क्योंकि पपीता खाना ज़रूरी है, और ये नमक भी ख़त्म हो गया था, तो चलिए इसको उठा कर रख देते हैं। अभी घिवड़ा में पानी सूखेगा तभी ना हो गया। हाँ भिंडी हो गया तो उतार दीजिए, नितावा चढ़ा दीजिए। काट के देखिए ना, हाँ हो गया, उतार दीजिए। इसको उस पर रख दीजिए सर, रोटी बना लेते हैं। चलिए एक तरफ चूल्हा खाली हो गया है और अब हम बनाएंगे रोटी। यहाँ पे कुछ रेडी है रोटी रखने के लिए भी, आज तो गर्मी इतना ज़्यादा है ना, नहीं लीजिए बहुत गर्म है। तावा देखिए, तावा चढ़ा देते हैं और चलिए हम बनाते हैं रोटी। काट काट के रखते हैं ताकि जल्दी हो जाए। यहीं पर रखिए, हाँ ये देखिए। तो हमारा खाना बन गया, जो कि सबसे महान काम होता है वो हो गया है। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि सब्जी सब ख़त्म हो गया था, तो पापा लाने गए सब्जी, सब्जी लेके आए, फिर उसके बाद खाना बनाया, तो खाना कंप्लीट हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए रियांश को, ये देखिए रियांश आज पहली बार खुद से खा रहा है खाना। बाबू इससे मॉन्स्टर नहीं आएगा, मॉन्स्टर वहाँ पे बाहर में आता है। तुम खाओ ना, देखो 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 कौन आ रहा है छुप छुप के, देखो तो, देखो तो कौन आ रहा है छुप के। मम्मा आ रही, खा मम्मा, खा के दिखाओ तो तुम कैसे खाते हैं अपने से। नहीं मॉन्स्टर अभी नहीं आता है, रात में आता है। नहीं खा, जल्दी चबा, हम मॉन्स्टर को तो बोल दिए कि इस घर में कोई नहीं है इतना धीरे धीरे खाने वाला, अपना लेट करके खाएगा तो समझना फिर। जल्दी से खा, हाँ 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 बहुत प्यार करेगा बहुत। ये देखिए रियांश कैसे क्यूट सा खा रहा है, इसका बात इतना क्यूट है ना, क्या ही बताएं आप लोगों को। और ये देखिए अब से ना जल्दी जल्दी खाना, ठीक है, पोएम भी देखना और खाना भी जल्दी जल्दी करेगा ना, पहले बोलो। और कुछ क्या बोला मास्टर? और कुछ भी नहीं बोला, बस यही बोला, और बोला कि नल के पास सुसु नहीं करने के लिए, जो नल के पास सुसु करता है ना उसको भी पकड़ लेता है, तो हम बोले नहीं यहाँ पे कोई नहीं करता है, बोल दिए उसको। ठीक है तो चलिए, रियांश को तो काफ़ी हम डरा दिए हैं, अब वो जल्दी जल्दी खाएगा, उसको खाने में बहुत टाइम लगता है, तो अब हम लोग भी जाते हैं खाना खाने, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी लेट कर दिए हैं खाने में। क्या जी आपको भी मास्टर से पकड़ाना है? नहीं आप खाए? नहीं खाया, वही देखने आए थे खाया कि नहीं खाया, खा रहा था, अभी खा लीजिए, बाबू सो गया है तो खा लेता। तो चलिए अभी हम लोग खाने पीने का टाइम हो गया, हम लोग चलते हैं खाने के लिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, और आप लोग अपना प्यार दिला, आशीर्वाद हम लोगों को बनाए रखिए।